आज मैंने जो हेडिंग लिख के रखा है समांतर रेखाएं और कोण, इनको हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले जो चीज़ उसमें बताने लायक है वो ये है, सरल रेखाएं और तिरक रेखाएं, जब भी किन्हीं दो सरल रेखाओं को या दो से अधिक सरल रेखाओं को कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो जो रेखा उन सरल रेखाओं को काटती है उसे हम लोग तिरक रेखा कहते हैं। अब चूँकि वो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है तो जब वो उन्हें काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, उन्हीं कोणों को हम लोग अंतः कोण, बाह्य कोण और उन अंतः कोणों के आधार पर हम लोग संगत कोण और एकांतर कोण, इन पर हम लोग उनको नाम देते हैं या उनको हम लोग परिभाषित करते हैं। तो पहले मैं अंतः कोणों और बाह्य कोणों को आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जैसी परिभाषा के अनुसार दो सरल रेखाओं को, मान लें दोनों सरल रेखाएं हैं और इनको कोई तिरक रेखा काट देती है ऐसे, तो वो तिरक रेखा जो है इन दोनों सरल रेखाओं पर वो कोई ना कोई कोण बनाती है। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर ये कोण है और ये भी कोण है, यहाँ भी कोण है और यहाँ भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है, वैसी ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो अगर आप ऐसे जब दो सरल रेखाओं को तिरक रेखा काटती है तो आप देख रहे होंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ कोण बन रहे हैं। इन आठ कोणों को हम लोग अंतः कोणों और बाह्य कोणों में बांट देते हैं। जैसे इन दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, बाहर की तरफ का मतलब है इनके बीच के कोणों को हम लोग अंतः कोण बोलते हैं, ये कोण और इस कोण और इस कोण को, और इन दोनों की जो बाहर ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ जो कोण बन रहे हैं हम लोग उनको बाह्य कोणों के रूप में जानते हैं। जैसे ये दोनों कोण जो है वो बाह्य कोण हो जाएंगे और ये दोनों कोण जो है वो बाह्य कोण हो जाएंगे। इसका मतलब है जो कुल आठ कोण बन रहे हैं यहाँ पर उन आठ कोणों में आपको चार कोण जो है वो अंतः कोणों के रूप में दिख रहे हैं और चार कोण जो है वो आपको बाह्य कोणों के रूप में दिख रहे हैं। यही अंतः कोण और बाह्य कोण आगे जाकर हम जब इनको पढ़ेंगे तो संगत कोणों और एकांतर कोणों के रूप में हमको दिखेंगे। अब ये मैंने सरल रेखा ऐसे बनाई है, पहले बता दूं कि ये सरल रेखाएं हैं, है ना। मैंने भले ही हेडिंग में समांतर रेखाएं और कोण लिखा है क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो समांतर रेखाएं और कोण पर ही निर्धारित होने वाला है, समांतर रेखाएं और कोण पर ही निश्चित रहने वाला है। लेकिन यहाँ सरल रेखाएं बोल रहा था मैं, इसलिए ये दोनों सरल रेखाएं हैं और सरल रेखाएं जरूरी नहीं है कि वो समांतर हों, है ना। जैसे ये दोनों समांतर नहीं है, भले ही सरल रेखाएं लेकिन समांतर नहीं है। इसलिए कभी कभी हमारे पुस्तक में हम देखेंगे वो इस तरीके का भी चित्र हमको दे देता है कि ये दोनों सरल रेखाएं हैं और ये वाली रेखा जो है वो तिरक रेखा और तिरक रेखा बन जा रही है जो उसको अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, एक ये बिंदु पर और एक यहाँ पर। इस पर भी देखेंगे तो आपको ये जो अंदर वाले जो कोण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये अंतः कोण है चार कोण, और इस कोण के इस भुजा के इस तरफ, इस रेखा के इस तरफ और उस रेखा के उस तरफ जो दो दो कोण बन रहे हैं ये वाले, ये आपको बाह्य कोण के रूप में आपको नज़र में आ जाएंगे ये लोग। तो चार कोण यहाँ भी आपको अंतः कोण के रूप में दिखते हैं और चार कोण वहाँ भी आपको बाह्य कोण के रूप में भी आपको नज़र आते हैं। तो चूंकि कुल आठ कोण है तो चार अंतः कोण मिलेंगे और चार बाह्य कोण मिलेंगे। अब चार अंतः कोण और चार बाह्य कोण मिलते हैं तो जब हम जोड़ों की बात करते हैं तो ऐसे ही, चूँकि आठ कोण है तो आपको दो ठो कोण, दो दो कोणों की एक एक जोड़ी करके लगभग चार जोड़ी आपको मिल जाती है संगत कोणों की, और चार जोड़ी आपको मिल जाती है एकांतर कोणों की। उसमें से भी अंतर एकांतर कोणों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, संगत कोणों में वैसा अंतर आपको नाम के में अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं समांतर रेखाएँ और उसके कोणों पर। ये सामान्य जानकारी के लिए आपको इस तरीके से बताया था जिससे आप इसको समझ सकें खाली, है ना। अब ये समांतर रेखाओं के आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उन कोणों को नाम भी देते हैं, क्योंकि उन कोणों के नाम बनते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी ये कोण, जो कोण आप अंतः कोण और बाह्य कोण के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ उसी में आपको संगत कोण भी है और उनमें एकांतर कोण भी है। चलिए देख लेते हैं एक बार पहले उनको, फिर उसके बाद समांतर रेखाओं में आएंगे। जैसे
संगत कोणों की बात होती है तो संगत कोण के जो जोड़े होते हैं वो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं। जैसे इस तिर्यक रेखा के इस तरफ जो कोण बन रहे हैं वो आपस में जोड़े बनेंगे, इसके इस तरफ जो बन रहे हैं बाएं पक्ष में वो आपस में जोड़े बनेंगे संगत कोणों के, है ना। और इन दोनों एक इस रेखा पर कोण बनेगा तो इस एक इस रेखा पर बनेगा, है ना। उसकी भी खासियत रहेगी कि इस रेखा के ऊपर बनने वाला कोण का जोड़ा जो है आपको नीचे वाली रेखा के ऊपर ही मिलेगा, मतलब आपको एक रेखा के एक ही साइड में जोड़े मिलेंगे और दोनों रेखाओं के या तो ऊपर मिलेंगे या फिर नीचे में जोड़े बनेंगे। मतलब जैसे उदाहरण के लिए एक और पाँच ये संगत कोणों का पहला जोड़ा है जो इस तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर बन रहा है, मतलब एक ही ओर, और इन दोनों रेखाओं के ऊपर की ओर बन रहा है। हम लोग इसको देखेंगे दोनों ऊपर की ओर बन रहे हैं, ये इस रेखा के ऊपर में और इस रेखा के ऊपर में और तिर्यक रेखा के इस तरफ में और तिर्यक रेखा के इस तरफ में, मतलब एक और पाँच जो है वो पहला जोड़ा आपको मिल जाता है। अब यदि इसके बगल में देखेंगे तो दो और छः दिख जाता है, वैसे ही वो तिर्यक रेखा के बाईं ओर बन रहे हैं और दोनों रेखाओं के ऊपर की ओर ही बन रहा है, मतलब दो और छः, ये दूसरा जोड़ा मिल गया आपको संगत कोण का। अब जैसे ऊपर की तरफ मिले हैं वैसे नीचे की तरफ भी मिलेंगे। इस रेखा के दाहिनी तरफ देखेंगे नीचे में कौन सा कोण है, चार, इसके नीचे में कौन सा कोण है, आठ, तो चार और आठ आपको तीसरा जोड़ा मिल गया। वैसे इसके बाईं पक्ष में देखेंगे तो इस रेखा के नीचे में तीन और दूसरी वाली रेखा के नीचे में सात, मतलब तीन और सात भी आपस में जोड़े बन गए, मतलब ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा, ये चार जोड़े आपको मिलते हैं, वो सब जोड़े हैं वो संगत कोणों के जोड़े हैं ये लोग, है ना, ये सब संगत कोणों के हैं। इन कोणों की, इन जोड़ों की विशेषता ये है कि इसमें से एक बाएं कोण में मिलता है तो दूसरा उसके अंतः कोण में मिलता है, ये बाएं कोण में मिला है तो ये अंतः कोण के रूप में है, वैसे ये अंतः कोण में है तो दूसरा बाएं कोण में मिल गया इसका जोड़ा। यहाँ भी अंतः कोण है, दूसरा जोड़ा जो है वो बाएं कोण के रूप में आपको दिखता है, तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं लोगों में अंतर हो जाता है। और इस तरीके से आप लोग उसको देखते भी हैं कि जब भी जोड़ा देखेंगे तो एक आपको बाएं कोण में मिलेगा तो एक अंतः में मिलेगा, एक बाएं में मिलेगा तो एक अंतः मिलेगा, ये अंतः में मिल रहा है तो ये बाएं में मिल रहा है, ये अंतः में मिल रहा है तो ये बाएं कोण मिल रहा है, मतलब अलग अलग आप उससे आपको समझ में भी आता है और आपको पहचानने में भी गलती नहीं होती, आप नाम देखकर समझ जाते हैं कि मैं सही निकाल रहा हूँ या नहीं निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये चार जोड़े आपको संगत कोणों के मिलते हैं, ऐसे ही बिल्कुल चार जोड़े आपको एकांतर कोणों के भी मिलेंगे। लेकिन एकांतर कोणों में क्या हो जाता है कि एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाता है अंतः एकांतर कोण, दूसरा हो जाता है बाह्य एकांतर कोण। अब इससे आप समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि ये जो एकांतर कोणों का जो जोड़ा मिलेगा वो अंतः कोण रहेंगे दोनों के दोनों, और ये बाह्य एकांतर कोण का जो जोड़ा रहेगा ये दोनों ही कोण जो है वो बाह्य कोण रहेंगे, उन लोग कोई भी उसमें से एक अंदर में नहीं रहेगा, अंतः कोण नहीं रहेगा, तो दोनों बाह्य रहेंगे। अब यहाँ अंतः और बाह्य का मतलब क्या है, अंतः का मतलब है यहाँ पर ये दोनों अंतः, बाह्य का मतलब है ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब एकांतर कोण की विशेषता होती है कि एक तो ये आपस में सटे हुए नहीं रहते हैं, मतलब एक दूसरे के अगल बगल में नहीं रहते हैं, है ना, वैसे तो संगत कोण भी अगल बगल में नहीं रहते हैं, रैखिक युग्मों के बारे में अगल बगल में बोला जाता है ना, बोल सकते हैं, तो ये एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, कहीं भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, है ना, कोण ना सिर्फ कोण का जो बिंदु रहेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों ही कोण जो है वो आपको अंतः कोणों के रूप में मिलेंगे। ये दो यहाँ इसमें अंतः एकांतर कोण के जो दो जोड़े मिलेंगे, क्योंकि अंतः कोण में चार कोण मिलते हैं तो इसलिए जोड़े भी आपको दो मिलते हैं। उस जोड़े का पहला कोण जो रहेगा वो इसके दाहिनी तरफ रहेगा तो दूसरा बाएं तरफ रहेगा, है ना, पहला दाहिनी तरफ रहेगा तो दूसरा बाएं तरफ रहेगा, एक इस ऊपर वाली रेखा के नीचे रहेगा तो दूसरा इस ऊपर वाली रेखा के ऊपर रहेगा, मतलब ये नीचे है तो ये वाला ऊपर है। तो ये इस तरीके से आपको दिखता है यहाँ पर कि ये उल्टा जेड के रूप में आपको नज़र में आ जाएगा, ऐसा करके उल्टा जेड, भले वो मेरी तिर्यक रेखा दूसरे तरीके से है, जेड ऐसा नहीं बनता लेकिन फिर भी उससे मिलता जुलता है,
तो आप देखेंगे ये आपस में एक दूसरे के संबंध में रहते हैं, एक भुजा जो रहती है वो इनकी कॉमन है बिल्कुल, ये वाली है ना, क्योंकि वो इस कोण में भी है और वो इस कोण में भी है, तो ये जोड़ी ये भुजा जो है वो बिल्कुल कॉमन हो जाती है। तो पहला जोड़ा मिल जाता है आपको चार और छः, मतलब चौथा कोण और छठवां कोण, और दूसरा जोड़ा हो जाता है आपका इसी तरीके से उल्टा, बिल्कुल जेड बन जाएगा आपका, ये देखिए ये जेड है ना, जैसा जेड आप बनाते हैं ऐसा करके, तो ये दोनों ही एक अंतर कोण बनते हैं लोग, ये भी वैसी है। दूसरा जोड़ा जो है ये तीन इस तीर्य रेखा के बाईं तरफ है ना, तो इसका दूसरा एक अंतर कोण जो रहेगा वो इसकी दाहिनी तरफ रहेगा, मतलब ये जोड़े का एक कोण जो है वो इसके बाईं ओर मिल रहा है, तो एक कोण दाहिनी ओर मिलेगा, जोड़े का एक कोण इस ऊपर वाली रेखा के नीचे में मिलेगा, तो दूसरा जोड़ा इसके ऊपर वाली ऊपर में मिलेगा, जैसे तीन और पाँच बिल्कुल आपस में दिखते हैं ये लोग, है ना, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब ये आप ऐसे करके इसको चित्र बनाकर आप बना सकते हैं, तो दूसरा हो जाता है तीन और पाँच। बहुत समझने वाली बात रहती है और बहुत समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सवाल आते हैं थोड़े छः छः नंबर के प्रश्न आते हैं, अगर आते हैं परीक्षा में, तो क्योंकि आपको एक सवाल एक कोण दे देगा और आपको सारे कोण आपको ज्ञात करने पड़ेंगे, और इसमें किसी भी एक कोण से आप सारे कोण ज्ञात कर सकते हैं, या कोई शर्त होती है उस पर भी आप ज्ञात करते बन जाता है। तो ये अंत एकांतर कोण हो गया, बाह्य एकांतर कोण भी परिभाषा बिल्कुल वैसी है, कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है, आपस में सटे हुए नहीं रहेंगे, और चूंकि अब बाह्य एकांतर कोण बोल दिया है, मतलब ये एकांतर कोण जो है वो बाहर में रहेगा, मतलब जोड़े जो है वो बाहर में रहेंगे, अगर एक ये दाहिनी ओर है और इस रेखा के ऊपर में है, इस तिरक रेखा के बाईं ओर रहेगा, और ये इस वाली रेखा के नीचे में रहेगा, मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के रेखा जोड़े हैं एक और सात। वैसी अब जो बच रहा है ये दो और आठ, ये बाईं ओर है तो ये दाहिनी ओर है, ये इस रेखा के ऊपर है तो ये इस रेखा के नीचे है, तो इसलिए जो चौथा कोण चौथा जोड़ा मिलता है एक अंतर कोणों का वो मिल जा रहा है आपको दो और आठ। इस तरीके से आप देखते हैं कि आपको संगत कोणों के भी चार जोड़े मिलते हैं और एकांतर कोणों के भी चार जोड़े मिलते हैं, उसमें अंत एकांतर कोण का दो जोड़ा और बाह्य एकांतर कोण का दो जोड़ा मिलता है। ऐसा इसलिए अलग अलग कर दिया जाता है, इससे आप पहचान पाते हैं कि कौन से कोण किससे बराबर होंगे। जब आने वाले समय में हम समांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो ये सब जोड़े के कोण आपस में बराबर रहते हैं, है ना, तो इसलिए पहले पहचानना जरूरी है, और पहचानने के बाद उनको फिर आप आगे जाकर जब आप उनको नाम देकर देखेंगे तब आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, जो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए, यदि मुझे कुछ बताने लायक कोई चीज़ हो, कोई विषय आपके पास में हो तो ज़रूर आप मुझे बताइए, जिससे मैं उसमें अपनी थोड़ा सुधार सकूं और आपको आपको और अच्छे से उसको बताने की कोशिश कर सकूं। धन्यवाद।